हेलो फ्रेंड्स, आज के इस हिस्ट्री सेशन में मैं आपको गुलाम वंश के बारे में बता रहा हूँ। और ये क्लास कुछ इस तरीके की होगी जैसी क्लास आपने आज से पहले कभी अटेंड नहीं की होगी, ये मैं श्योर कर सकता हूँ। और बहुत ही थोड़े समय में, मुश्किल से 4 या 5 मिनट में आप गुलाम वंश को पूरी तरीके से पढ़ सकेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल के लिए लाइक, ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है मेरे चैनल से, विजय आनंद मास्टर मिक्स इस चैनल का नाम है। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले मैं आपको बता दूँ कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम लाखबख्श था और चौगान खेल को खेलते समय ये नष्ट मर गया था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक एक इमारत इसने बनवाई थी और कुतुब मीनार का कार्य इसने शुरू कराया था। तो गुलाम वंश की शुरुआत भी यहीं से ही कहलाती है। तो इसकी जो मैंने लाइन्स बनाई है वो ये हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक था लाखबख्श, चौगान खेल से हुआ नष्ट, अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया, कुतुब मीनार को शुरू कराया। इसके बाद इल्तुतमिश आया। तो इल्तुतमिश के बारे में है कि इल्तुतमिश लाहौर से दिल्ली आया, क्योंकि ये इसने अपनी कैपिटल को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया था और दिल्ली को इसने फिर चंगेज़ खां के अटैक से बचाया था। इल्तुतमिश ने तांबे और चांदी के सिक्कों को शुरू कराया था और कुतुब मीनार के कार्य को पूरा कराया था। तो कुतुब मीनार में दोनों का है, एक ने शुरू कराया, एक ने ख़त्म कराया। तो जो लाइन्स मैंने बनाई हैं वो ये हैं कि इल्तुतमिश लाहौर से दिल्ली आया, चंगेज़ खान से इसे बचाया, तांबा चांदी सिक्का चलाया, कुतुब मीनार को पूरा कराया। इसके बाद रुकुबुद्दीन ने गाया था, वो काफ़ी कम समय के लिए था और अच्छा राजा नहीं था और उसको रजिया सुल्तान ने हटा दिया था। तो इसके बारे में लाइंस हैं कि रुकुबुद्दीन था घटिया राजा, रजिया ने फिर उसे हटाया। और रजिया सुल्तान नहीं है उसके बाद। तो ये पहली और इकलौती मुस्लिम महिला जिन्होंने भारत पर शासन किया था। उसके बाद ये दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी, लेकिन एक याकूत नाम के युवक से इनको प्यार हो गया था और अल्तूनी जो राजा था उसको ये बात खटक गई थी। तो इस पर जो मैंने लाइंस बनाई हैं वो ये हैं कि पहली बार इकलौती महिला रजिया दिल्ली पर थी बैठी, याकूत के वो प्यार में पड़ गई, अल्तूनी को बात ये खटकी। इसके बाद रजिया और बहरम खान पर मैं आपको बता दूं, जो अगले मेरा ये प्रेजेंटेशन है इसमें, कि याकूत को फिर अल्तून खान ने मार दिया था और रजिया के साथ उसने, जब रजिया को जेल में डाल दिया था वहाँ पर उसने उससे शादी की थी, फिर दोनों के दोनों एक जंग में मारे गए थे और बहरम खान सत्ता में आ गया था। तो जो मैंने लाइन्स बनाई हैं वो ये हैं कि याकूत को फिर उसने मारा, रजिया के संग निकाह रचाया, दोनों मर गए एक जंग में, बहरम खां सत्ता में आया। इसके बाद बलवन आया था, लेकिन उसके पहले बीच में 2-3 छोटे छोटे शासक और आए थे, मसूद शाह और नसीरुद्दीन मोहम्मद। तो ये दोनों कुछ खास नहीं कर पाए थे और मोहम्मद जो था गयासुद्दीन बलवन वो आया था। तो मसूद शाह नसीरुद्दीन मोहम्मद ना कर सके कुछ खास, गयासुद्दीन बलवन था फिर गद्दी पर आने को बेताब। इसके बाद बलवन के बारे में मैं आपको बता दूं कि उसने चालीसा को घटाया था। चालीसा जो थी वो काउंसिल थी मिनिस्टर्स की, तो इसकी पावर्स को उसने लिमिट में कर दिया था और सारी पावर अपने पास ले ली थी। और सजदा जो एक प्रथा थी वो ये थी कि राजा के सामने जब भी कोई आएगा तो पूरी तरीके से बैंड होकर के झुक करके राजा को सलाम करेगा, उसके बाद अपनी बात को शुरू करेगा। तो ये सजदा प्रथा थी। और मोहम्मद, तुगरिल और कैकूबाद, उसके बाद छोटे छोटे से राजा आए थे और गुलाम वंश इसके बाद समाप्त हो गया था। तो जो लाइन मैंने बनाई है वो ये हैं कि चालीसा को उसने घटाया, सजदा को था शुरू कराया, मोहम्मद तुगरिल कैकूबाद, गुलाम ख़त्म इसके बाद। मैं आपको अभी रिवाइज़ करा देता हूँ एक बार फिर से, जो जो मैंने लाइंस बनाई थी एक बार इकट्ठी बोलता चला जाऊँगा, आपके लिए काफ़ी मदद मिलेगी। लाइंस ये हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक था लाखबख्श, चौगान खेल से हुआ नष्ट, अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया, कुतुब मीनार को शुरू कराया, इल्तुतमिश लाहौर से दिल्ली आया, चंगेज खां से इसे बचाया, तांबा चांदी सिक्का चलाया, कुतुब मीनार को पूरा कराया, रुकुबुद्दीन था घटिया राजा, रजिया ने फिर उसे हटाया, पहली वह इकलौती महिला रजिया दिल्ली पर थी बैठी, याकूत के वो प्यार में पड़ गई, अल्तूनी को बात ये खटकी, याकूत को फिर उसने मारा, रजिया के संग निकाह रचाया, दोनों मर गए एक जंग में, बहरम खां सत्ता में आया, मसूद शाह नसीरुद्दीन मोहम्मद ना कर सके कुछ खास, गयासुद्दीन बलवन था फिर गद्दी पर आने को बेताब। चालीसा को उसने घटाया, सजदा को था शुरू कराया, मोहम्मद तुगरिल कैकूबाद, गुलाम ख़त्म इसके बाद। इस तरीके के और भी मेरे वीडियोस हैं जिसमें आपके लिए और भी बहुत सारी हिस्ट्री की जानकारी बहुत कम समय में मिलती रहेगी। प्लीज़ उनको भी देखते रहिएगा, मेरे इसी चैनल पर पढ़े हैं विजय आनंद मास्टर मिक्स पर, उनको भी देखिए और अपग्रेड करते रहिएगा, नॉलेज को बढ़ाते रहिएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल सिंबल को भी दबा दीजिएगा,
जिससे कि जब भी कभी कोई मेरा वीडियो लॉन्च होगा तो आपके लिए नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।